इसके बाद बेटा बहुत ही सिंपल है। अब देखो आप खुद ही बना सकते हैं क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन चार तरह की चीजें इन्वॉल्व करते हैं। या तो मैं कह दूंगा देखो डिस्टेंस एज ए टाइम का फंक्शन कुछ दे दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, ds बाई dt से निकाल दें, ठीक है। या फिर मैं कोई प्लॉट दे दूंगा आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का इस तरीके, ठीक है ना, और इस पर कुछ वैल्यू दे दूंगा, तो आप स्पीड कैसे निकालेंगे, स्लोप से निकाल देंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से। तो ऐसे तो आप स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस गिवन है। सारे में ये चार तरह के घूम फिर के क्वेश्चंस रहेंगे पूरे में, वेलोसिटी हुई, स्पीड हुई और एक्सलरेशन हुई, ठीक है ना। सारे उसी ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आप खुद बना सकते हैं 10 क्वेश्चन ऐसे, किसी को भी कराना हो क्लास में आप लाइन से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें सारी चीजें आ जाए। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, मान लो वी इज इक्वल टू 2t + 3 हुआ आपके, और पूछेगा डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, तो वी को क्या लिखोगे, ds/dt 2t + 3, और इसको इधर ले जाके क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। यही तो बात हुई है अपनी की इंटीग्रेशन से क्या निकलेगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो एक मेथड तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस निकालने का, जबकि आपको स्पीड गिवेन है। और दूसरा क्या हो सकता है, आपको एरिया दे सकता है, ठीक है ना, हो सकता है आपको कोई प्लॉट दे दिया उसने, ठीक है ना, इस तरह का कोई प्लॉट दे दिया, मान लो इस तरह का कैसे भी करके VT प्लॉट दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया बाउंडेड बाई स्पीड टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सेस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो एक तो ये जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, और एक स्लोप ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इंटीग्रेशन का फार्मूला या ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इससे आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस ट्रेवल निकालो। तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन बनाते रहो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके। बेसिक थीम मैंने आपको बता दी, जिससे आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। सारा बेस किस पर है, जिसको वो पता है कि स्पीड क्या है, ds/dt है, बस बाकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मीनिंग और ये सब पता होने चाहिए, तो आप बिल्कुल बनाते रहेंगे कुछ, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत पढ़ा है मैंने, ज्योमेट्रिकल मीनिंग दोनों के, इंटीग्रेशन में तो बहुत सारा पढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर वो आपको मीनिंग पता है जस्ट, ठीक है ना, जितना पढ़ा है मैंने वो तो बहुत ही पढ़ा है, बट अभी आपको जस्ट अगर मीनिंग पता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो भी आप इस तरह की काइनेमेटिक की सारी प्रॉब्लम खुद बना सकते हैं। तो करी किसी की बनाई हुई तो फिर कर ही सकते हैं, अगर खुद बनाने लायक आप बन पा रहे हैं इस तरह से पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या करी हुई प्रॉब्लम हम नहीं कर सकते क्या, किसी की बनाई हुई बिल्कुल कर सकते, ठीक है। क्योंकि आप कभी चार प्रॉब्लम भी बना के देखिए, सबसे ज्यादा जोर पड़ता है दिमाग पे, सबसे ज्यादा आप सोचते हैं उसमें, आप किसी और क्वेश्चन में इतना नहीं सोचें। आप प्रॉब्लम डिजाइन करिए, देखिए 10 प्रॉब्लम सोचिए डिजाइन करनी है आप, ठीक है ना, आपको सारी खुद ही रिकॉल होने लग जाए क्या क्या पढ़ा है कैसे पढ़ा है, तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। तो देखिए आप इसका आगे प्रॉब्लम लेना शुरू करते हैं इसका। तो पहली प्रॉब्लम में क्या ले रहा हूँ, सबसे पहली ds/dt के एप्लीकेशन पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए, डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट टी इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस ट्रेवल 0 थी, उसके बाद किसी भी टाइम तक जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी, ठीक है ना, वो उस इंस्टेंट को आप यहाँ रखेंगे तो 0 से लेकर उस टाइम तक की डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है ना बेटा। डिस्टेंस ऐसे नहीं हो सकती ना कि टी डालो तो उस इंस्टेंट पे डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, तो इररिलेवेंट सी बात है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्टेंस क्या हो, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्टेंस का मतलब है उस 0 से लेकर उस टाइम तक की डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब आपको पूरा डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड, तो आप टी को 4 डाल दो, तो उस टाइम 0 से लेकर उस टाइम तक की जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी, ठीक है ना, ये भी एग्जैक्टनेस के लिए थोड़ा लिख सकता था डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, तो ये और अच्छा क्लियर हो जाता कि टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 4 के बीच डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है। तो यहाँ टी को 4 डाल दोगे तो 0 से लेकर 4 तक की डिस्टेंस ट्रेवल डाल। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या बेटा इसमें, बताइए। फिर पूछ रहा है वो एवरेज स्पीड, तो 1 सेकेंड तक डिस्टेंस ट्रेवल कैसे आएगी। अब देखो आपको ध्यान से करेंगे बेटा, यहाँ गलती होने के चांस रहे, ये 1 सेकेंड से 2 सेकेंड इंटरवल की एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो इसी इंटरवल की पहले आप डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना, इसी इंटरवल की आप डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे और उसको इंटरवल से डिवाइड कर। अब मैं कह रहा हूँ टी जस्ट टी इक्वल टू 1 से t = 2 सेकेंड के बीच डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे इस इंटरवल की डिस्टेंस ट्रेवल। मैं 0 से 2 सेकेंड नहीं पूछ रहा, मैं 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक की डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा हूँ, कैसे निकालेंगे बताइए। सर इसमें इस इक्वेशन में पहले तो 1 पुट कर देंगे और 2 पुट कर देंगे, दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा, तो उन वेरी दोनों गुड, को माइनस करके डिवाइड बाय टोटल टाइम, मतलब वेरी टी टू गुड, माइनस टी वन वेरी गुड, तो एग्जैक्ट बोला है मन्नी, क्लियर नहीं ना यार। है सबको ये बात जो मन्ने बोली है। बताइए वनीषा, बात क्लियर है आपको। यस सर,
हाँ, इस इंटरवल की डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे? पहले वन रखा आपने, तो 0 से 1 सेकंड की आ गई है, 5 मीटर आ गई। फिर आपने 2 रखा इसमें, तो 14 मीटर आ गई है। तो 1 से 2, ये 0 से 2 सेकंड तक क्या है ये बता, 0 से, हाँ 2 सेकंड तक, ये आई है 0 से 1 सेकंड। तो 1 से 2 सेकंड की कितनी होगी? सीधी बात है, 40 माइनस 5, ठीक है। तो ये 1 सेकंड की डिस्टेंस है, और नीचे टाइम इंटरवल रखोगे तो 2 माइनस 1 कितना होगा? तो ये 9 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड निकल के आएगी। फिर आपसे पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है हमेशा ds/dt होती है। तो ds/dt कितना आएगा? ये 40 + 3, फोर्टी प्लस ठीक है। तो t को 3 डाल दो आप, और ये कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका? 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है बेटा सबको ये चीज एकदम? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यस सर। ओके।